दुनिया का सबसे बड़ा नशा रिस्क। वो उस महल से आए और हमारे गांव का शिवलिंग चुरा के लिए है। राम सेतु की लीड एक्ट्रेस नुसरत हॉस्पिटलाइज्ड। क्या होगा नुसरत का रोल फिल्म राम सेतु में? क्या फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया है? हेलो, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम बात करते हैं आने वाली फिल्मों की और आ चुकी फिल्मों की। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म राम सेतु के बारे में। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। दरअसल राम सेतु की लीड स्टारकास्ट ने अयोध्या जाकर राम मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वापस मुंबई आकर इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। इस फिल्म के कई हिस्सों की शूटिंग हो चुकी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल के अंत तक अक्षय अपनी इस फिल्म राम सेतु की शूटिंग पूरी कर लेंगे। आपको बता दें कि ये फिल्म अगले साल यानी साल 2022 में अक्टूबर में रिलीज हो सकती है। अक्षय, नुसरत और जैकलीन के फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म में अक्षय एक आर्कियोलॉजिस्ट यानी एक शोधकर्ता का रोल प्ले करेंगे, जिसमें वो राम सेतु ब्रिज पर रिसर्च करेंगे कि ये सच है या फिर झूठ। ये फिल्म सभी भारतीयों और खास तौर से हिंदुओं के लिए बहुत खास होने वाली है। जैसे कि इस फिल्म के नाम से ही पता चल जाता है कि इस फिल्म में भगवान श्री राम का कई जगह पर जिक्र देखने को मिलेगा। बात करें अगर इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस की, तो नुसरत और जैकलीन बेहद एक्साइटेड है फिल्म को लेकर। और भाई, एक्साइटेड होना भी जरूरी है, क्योंकि बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार के साथ काम करने से कौन खुश नहीं होगा भला। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म राम सेतु में लीड रोल निभा रही है पंचनामा गर्ल यानी नुसरत बरूचा। उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, लेकिन अपने काम के लिए डेडिकेटेड नुसरत ने तबीयत खराब होने के बावजूद अपनी फिल्म की शूटिंग नहीं रोकी और वो बिना ब्रेक के लगातार काम करती जा रही है। शूटिंग के दौरान अचानक ही एक्ट्रेस नुसरत बरूचा की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। दरअसल नुसरत को शूटिंग के दौरान ही एकदम से चक्कर आने लगे और वो फिल्म के सेट पर ही बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि ब्लड प्रेशर के कम हो जाने की वजह से नुसरत की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने नुसरत को कम से कम 15 दिन के लिए सभी प्रकार के कामों से ब्रेक लेकर बेड रेस्ट करने की सलाह दी। आपको बता दें कि नुसरत इन दिनों लव रंजन की आगामी फिल्म की शूटिंग मुंबई के एक स्टूडियो में कर रही है। नुसरत ने लगभग 24 से 25 दिनों की शूटिंग पूरी भी कर ली थी, लेकिन यूं अचानक से नुसरत की तबीयत खराब हो जाने के कारण फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है। नुसरत को अब कम से कम 15 दिन का ब्रेक लेना ही पड़ेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि नुसरत के पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही इस फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू की जाएगी। अपने एक इंटरव्यू में नुसरत ने अपनी तबीयत के बारे में बात करते हुए बताया कि डॉक्टर्स ने बताया कि ये एक वर्टिगो अटैक था, जो कि ज्यादा तनाव की वजह से हो सकता है। ज्यादा तनाव करने से चक्कर आ गया। कोरोना महामारी ने लोगों को सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि इमोशनली भी बहुत हद तक प्रभावित किया है। मैंने सोचा था कि एक दो दिन में ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मेरी तबीयत ज्यादा ही बिगड़ती गई। आपको बता दें कि नुसरत का ब्लड प्रेशर लेवल बहुत कम हो गया था और इसी कारण वो बेहोश हो गई थी। उनके बीमार होने की खबर सुनते ही उनके पेरेंट्स भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। नुसरत के फैंस ने उनके जल्दी ठीक होने की दुआएं की। वेल, हम भी नुसरत के जल्दी ही ठीक होने की कामना करते हैं, ताकि वो अपनी फिल्म की शूटिंग जल्द ही पूरी कर सके और बॉलीवुड में धमाल मचा सके। बात करें अगर नुसरत के वर्क फ्रंट की, तो नुसरत हाल ही में अजीब दास्ता में नजर आई थी और इसके बाद उनके पास राम सेतु और चोरी जैसी फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिल में जगह बनाने को पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि फिल्म राम सेतु के कुछ पार्ट्स की शूटिंग नुसरत पहले ही अपने स्टारकास्ट के साथ मुंबई और श्रीलंका में कर चुकी है। इस फिल्म में नुसरत प्रेस रिपोर्टर या अक्षय के असिस्टेंट का रोल करने वाली है। वेल, एग्जैक्टली क्या होगा नुसरत और जैकलीन का रोल इस फिल्म में, इसे जल्दी ही पर्दा उठेगा। अब बस इंतजार है तो फिल्म राम सेतु की शूटिंग पूरी होने का, ताकि हम सब जल्द ही इस फिल्म को देख पाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी के साथ मैं तेजल आप सबसे इजाजत लेती हूँ।